नमस्कार, मैं अजीत, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और यहाँ पर नए वीडियो में। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सैमसंग का हमारे पास टैब ए है और बात कर रहे थे यहाँ पर कैमरा में भी ये फिट नहीं हो रहा है प्रॉपरली। तो यहाँ पे फटाफट आपको मैं ओवरव्यू दे दूँ कि यहाँ पर ये बॉक्स कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट बॉक्स है ये हमारा, और ये आज ही सुबह में डिलीवर हुआ है सैमसंग गैलेक्सी टैब ए। और आपको यहाँ पर मैं प्राइसिंग भी इसकी दिखा दूँ, तो प्राइसिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट्स 14999। तो यहाँ देख लीजिए, सैमसंग गैलेक्सी टैब ए है, 32 GB का इंटरनल स्टोरेज है, वाईफाई है, 64-bit ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और अगर हम बात करें 25.54 सेंटीमीटर का WXGA TFT डिस्प्ले है, 8 MP का कैमरा है ऑटो फोकस, और 5 MP आपको फ्रंट में मिलता है, 2 GB का रैम है, 32 GB रोम इंटरनल स्टोरेज है, और बैटरी की बात करें तो 6150 mAh की बैटरी है, डॉल्बी एटमॉस साउंड इफेक्ट भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इनसाइड द बॉक्स की अगर हम बात करें तो फिर यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको मिलता है चार्जिंग केबल जो कि यहां पर है टाइप सी चार्जिंग केबल। फिर यहाँ पर चार्जर की अगर बात करें तो चार्जर यहाँ पर आपको मिल जाता है, और चार्जर की रेटिंग मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, तो चार्जर की रेटिंग यहाँ देख लीजिए आप, इनपुट है यहाँ पे 100-240 वोल्ट, आउटपुट है 5 वोल्ट 1.55 एम्पियर, तो कुछ अलग ही है, ये मेड इन इंडिया लिखा गया है, अच्छा लगा देख करके। और यहाँ अगर बॉक्स में बात करें कंटेंट में, तो फिर यहाँ पर आपको मिल जाता है एक आई थिंक यहाँ पर एक सिम इजेक्टर टूल आपको मिल जाता है, और फिर यहाँ पर आपको कुछ यूज़र मैनुअल्स दिख जाते हैं, और बाकी बॉक्स के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है। ओवरऑल ये सारी चीज़ें मिलती है आपको इसके अंदर। तो यहाँ पर ये रहा टैब। ऑलराइट, तो टैब काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, और पीछे की तरफ अगर आप देखिएगा तो फिर ये थोड़ा फिंगरप्रिंट स्मजिंग हो सकता है ये, लेकिन ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी जो फर्स्ट इम्प्रेशन है इन हैंड में लेने के बाद बहुत ही कम्प्लीटली डिफरेंट है, मुझे अच्छा लगा हाथ में लेने के बाद। फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई सॉलिड मटेरियल आपने पकड़ा हुआ है। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर टाइप सी वाला पोर्ट दिख जाता है, स्पीकर दिख जाता है यहाँ पर, उसके बाद फिर यहाँ पर वो कैमरा। साइड में अगर बात करें तो फिर यहाँ पर आपको सिम इजेक्टर यहाँ पर सिम ट्रे मिल जाता है, प्लस यहाँ पे वॉल्यूम और पावर बटन। चलिए हम ट्रे को भी खोल करके देख लेते हैं। तो यहाँ सिम ट्रे में आपको यहाँ माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का स्लॉट मिल जाता है, माइक्रो एसडी कार्ड आप लगा सकते हैं। बाकी ऊपर की तरफ देखेंगे तो फिर यहाँ पर आपको दिख जाता है माइक, यहाँ पर 3.5 mm जैक, और बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज गुड। चलिए अब हम इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ फर्स्ट बूट में अभी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट बूट हमारा यहाँ पे डिवाइस हो चुका है, अभी चलिए हम सेटिंग्स में चले जाते हैं सीधा, और सेटिंग्स में जाकर के हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमें मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पे साउंड नोटिफिकेशंस, डिस्प्ले, वॉलपेपर, लॉक स्क्रीन और सिक्योरिटी, अकाउंट्स बैकअप, ये सारे के सारे फीचर्स दिख जाते हैं, एडवांस्ड फीचर्स आपको दिख जाते हैं, डिजिटल वेलबींग आपको मिलता है। और यहाँ पर चलिए अभी हम चले जाते हैं अबाउट टैबलेट में, तो अबाउट टैबलेट में अगर हम जाते हैं तो फिर यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन अगर हम दे दें तो मॉडल नंबर आपको मिलता है SMT510, और सीरियल नंबर यहाँ पे दिया गया है। स्टेटस, लीगल इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर 1 UI वर्जन जो कि यूज़र इंटरफेस है 1.0 है, एंड्रॉयड वर्जन का 9 मिल जाता है, कर्नल वर्जन, बिल्ड नंबर, SE फॉर एंड्रॉयड अपडेट्स और नॉक्स, ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पर चलिए एक बार हम सॉफ्टवेयर चेक भी कर लेते हैं अपडेट्स में कि सॉफ्टवेयर अपडेट में यहाँ पर कुछ है भी या नहीं है। तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउनलोडिंग अपडेट यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पे नया वर्जन भी देखने को मिल रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट इन्फॉर्मेशन है, वर्जन यहाँ पे दिया गया है, साइज़ है 124.83 MB का, सिक्योरिटी पैच लेवल है अगस्त 2019 का यहाँ पे हमें मिल रहा है, और व्हाट्स न्यू में यहाँ दिया गया है, द सिक्योरिटी ऑफ योर डिवाइस हैज़ बीन इम्प्रूव्ड आफ्टर अपडेटिंग, यू विल नॉट बी एबल टू डाउनग्रेड टू द ओल्ड सॉफ्टवेयर बिकॉज ऑफ अपडेट्स टू द सिक्योरिटी पॉलिसीज। तो यहाँ पर ये अपडेट हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे चलिए हम और भी फीचर्स की अगर बात करें, डिस्प्ले क्वालिटी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे नो डाउट आपको एमोलेड ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन टैबलेट के हिसाब से जो यहाँ पर डिस्प्ले और व्यूइंग जो एंगल्स है दैट इज़ रियली नाइस, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर लग रहा है। इनफैक्ट अगर आप परफॉर्मेंस अगर हम यहाँ पर बात करें रेस्पॉन्स टाइम का,
तो रिस्पॉन्स टाइम भी यहाँ पर काफ़ी क्विक है, काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्स यहाँ पर करता है। और बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो ये भी फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं पावर मोड ये सब सारे कुछ आपको देखने को मिल जाता है, नाइट मोड वगैरह दिख जाता है, ये सारे की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाती है, बटन ऑर्डर, बटन ग्रिड, ये सारा कुछ यहाँ पर आप कर सकते हैं सेटिंग्स। बाकी टच रिस्पॉन्स यहाँ काफ़ी अच्छा है और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कैमरा वगैरह ऐसा कुछ तो है नहीं खास, बिकॉज टैब इज़ ऑल अबाउट रीडिंग, यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए ही बेसिकली सारी चीज़ें होती है, तो ये तो सिर्फ नाम के ही होते हैं कि हाँ भाई कैमराज। सो मैं यहाँ पर आपको एक ऐसे ही नाम का एक यहाँ पर फ़ोटो भी खींच करके दिखा देता हूँ। ओके, तो ये रहा, यहाँ पर आपको इमेज में दिखा दूँ तो इमेज आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा है यहाँ पर इमेज, ऑलराइट। ओके, तो इमेज की क्वालिटी कुछ ऐसी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ओवरऑल ठीक है, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं कि सुपर्ब मैं बोलूँगा। टैब इज़ ऑल अबाउट रीडिंग, जैसे मैंने बताया आपको, ताकि आप यहाँ पर काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन को आप रीड कर सकें और यहाँ पर आप उसके हिसाब से यहाँ पर वर्कआउट कर सकें। फ्रंट कैमरा अगर मैं आपको दिखाऊँ तो फ्रंट कैमरा भी यहाँ पर देख लीजिए आप, फ्रंट कैमरा चलिए हम इसे यहाँ पर कर लेते हैं, तो फ्रंट कैमरा आपको कुछ ऐसा यहाँ पर दिखता है, ठीक ठाक है, नॉट दैट ग्रेट, बट 5 मेगापिक्सल में आप उम्मीद भी क्या करते हैं। सो ओवरऑल अगर हम टैब की बात करें तो टैब यहाँ पर ठीक ठाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब आपको थोड़ा डेफिनेटली टैब है बड़ा है, बल्कि तो लगेगा ही लगेगा, ओवरऑल टैब की क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। चलिए यहाँ पे कुछ स्पेक्स की अगर हम बात करें, डेफिनेटली यहाँ पे साउंड की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो साउंड क्वालिटी इसका काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी बेहतर लगा। डिस्प्ले भी यहाँ ठीक ठाक है, उतना कुछ अमेजिंग नहीं है, बट डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ ओवरऑल यहाँ पर एज ए टैब प्राइस सेगमेंट और सैमसंग के ब्रांडिंग के हिसाब से, तो यहाँ पर ये ठीक ठाक यहाँ पर आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर मिलता कितना है आपको स्टोरेज, इसकी बात अगर करें तो फिर डिवाइस केयर में अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं तो डिवाइस केयर में जाने के बाद फिर यहाँ पर आपको ओवरऑल यहाँ पर पूरा बता दिया जाता है। बैटरी यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर बैटरी 98.100 है, यहाँ ऑप्टिमाइज्ड है ये प्रॉपर, तो मतलब कि यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर सही किया गया है। स्टोरेज आपको मिलता है यहाँ पर 32 GB में से 23.3 GB फ्री है, और मेमोरी की बात करें तो फिर 470 MB यहाँ पर फ्री है आउट ऑफ 2 GB मैक्सिमम, यहाँ पे 1.3 to 1.4 GB यहाँ पर इसका यूसेज रहता है अगर रैम की बात करें। बाकी ओवरऑल यहाँ पर अगर स्पेक्स की बात करें तो फिर यहाँ पर ये गैलेक्सी टैब A है इसका मॉडल, जहाँ पर आपको आराम से अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पे आपको 3 से 4 दिन का आपको नॉर्मल यूसेज पे आपको यहाँ पे बैकअप मिल जाएगा, मतलब इन शॉर्ट अच्छा मिल जाएगा। अल्ट्रा HD या HD की अगर बात करें तो फिर यहाँ पर आपको व्यूइंग भी ठीक ठाक मिल जाएगा नेटफ्लिक्स वगैरह अगर देखना चाहते हैं, और रिजोल्यूशन की बात करें तो 1200x1920 pixels का इसका रिजोल्यूशन है, जो कि उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर प्राइस के हिसाब से बात करें तो इट्स ओके सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ, और IPS का स्क्रीन आपको मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्सपांडेबल कितना है, 512 GB तक यहाँ पर आप इसे एक्सपांड कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड के थ्रू, और यहाँ पे ये अगर हम बात करें दूसरे टैब के हिसाब से तो फिर उसके हिसाब से तो ये काफ़ी पीछे है, लेकिन ओवरऑल इट्स गुड। 3.5 mm जैक आपको यहाँ पे मिल जाता है, इट्स ऑल राइट। अब बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है वो है इसका यहाँ पर डॉल्बी के लिए यहाँ पर बहुत ही हाईलाइट किया, तो चलिए थोड़ा यहाँ पर प्ले करके भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर डॉल्बी की साउंड की क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पर डॉल्बी की साउंड की क्वालिटी आप यहाँ सुन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा एक जो एडिशनल फीचर जो मुझे लगा कि वो है यहाँ पे USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, जो कि फ्यूचर प्रूफ यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत बना देता है, इन शॉर्ट आपको आने वाले टाइम पे आपको टेंशन नहीं होगा, और यहाँ पर आपको उसके हिसाब से चार्जिंग वार्जिंग का झमेला, और फिर अगर डेटा ट्रांसफर की बात करें तो वो सब ठीक है। ब्लूटूथ वर्जन 5.0 आपको मिल जाता है, वाईफाई यहाँ पर है 802.11, और यहाँ पर Android 9 Android 10 भी आपको देखने को मिल सकता है अगर यहाँ सैमसंग चाहे तो। बाकी अगर प्रोसेसर की बात करें तो एक्जिनस का 7904 ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जो कि क्लॉक्ड है 1.2 GHz पे, और यहाँ पे अगर स्टैंड बाय टाइम की बात करें तो 15 दिन तो आराम से दे ही देगा अगर आप इसे यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ नॉर्मली यूज़ करते हैं। ओवरऑल सैमसंग टैब मेरे हिसाब से प्राइसिंग के हिसाब से
ठीक ठाक है बट नॉट दैट ए ग्रेट चॉइस। यहाँ पर अगर आपको डेली यहाँ पर यूसेज, अगर आप यहाँ पर ऑफिस वर्क करते हैं, मार्केटिंग में हैं, या फिर अगर कुछ यहाँ पर पढ़ने के लिए अगर आप इसे लेते हैं फॉर रीडिंग पर्पजेस, सो उसके हिसाब से यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन आप सोचिएगा कि आप इसमें आपको वीडियोज़ देखने हैं, आपको यहाँ पर एंटरटेनमेंट का मजा लेना है, तो आप रियली सॉरी, यहाँ पर इसे वो उतना खास जस्टिफाई नहीं करने वाला है। ओवरऑल यहाँ पर 2 GB में इसे 1.5 GB के आसपास तो एनी टाइम रैम यूसेज रहता है, तो रैम मैनेजमेंट भी ठीक ठाक है, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं है। लॉन्ग टर्म रिव्यू भी आपको बाद में दे दिया जाएगा। ओवरऑल अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं, बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। तो ये रहा सैमसंग टैब ए, जो कि यहाँ पर इसका आपको मैंने फुल रिव्यू दिया, साथ में अनबॉक्सिंग भी दी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में अगर आपको जो भी जानकारी दी है पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।